शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है, तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया, लिखा है सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ मना नहीं है, आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है माता, किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन घर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दे, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर लेगी, उसका मन लग गया, उस मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है, शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो
दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने, वो कहे ना वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काहे को खीर बना रही हो, तो तुमने अब खीर प्रसाद।